कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक लेने कृषि मंत्री जेपी दलाल नारनौल पहुंचे और नारनौल स्थित पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आए कुल 22 मामलों में से तकरीबन 17 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। बाकी 5 मामलों को अगली बैठक तक अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पत्रकारों से रूबरू होते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि तकरीबन सभी मामलों को मौके पर ही सुलझा दिया गया है। तकरीबन 10 मामले पुराने थे जिनका भी निपटारा कर दिया गया है। आज 21-22 मामले थे जिनमें से 10-11 मामले पुराने थे। ज़्यादातर का हमने समाधान किया है। सिर्फ 4-5 मामले पुराने में से डेफर किए हैं और अधिकारियों को हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लें और ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि ग्रीवेंसेस में लोग लेके आए। अगर अधिकारी रिस्पॉन्स ठीक दें जनता को, वो कार्रवाई करें तो ग्रीवेंसेस में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी दरखास्त ग्रीवेंसेस में आती हैं तो इससे ये साबित होता है कि अधिकारियों में कहीं ना कहीं कमी है और जो अधिकारी अपनी ड्यूटी सही समय पर नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अभी तो हमने राइट टू सर्विस का एक्ट पास है, उसमें ऑटो अपील भी कर दिया है। हर अधिकारी पकड़ में आ जाएगा जो अपने समय पर काम नहीं करता और उसको सजा मिलेगी, उसको प्रताड़ना मिलेगी। नगर परिषद मामले का बहुत ये कुछ तो यहाँ अवैध कब्जों का है, एक आपका जो नाला है उसके मामला है जिसमें कुछ गलत रिपोर्ट लोगों ने दी है, तो मैंने इनको डीसी साहब को कहा है कि ऐसे लोगों को चार्जशीट करें। और नगर परिषद की सबसे ज़्यादा शिकायतें आती है, लेकिन अब सौभाग्य से इसका चुनाव हो गया है, छोटी सरकार हमारी बन गई है, लोकल लेवल पर इन चीज़ों का समाधान होगा। और चार्जशीट किनको किया गया? जो भी नगर परिषद के यहाँ अधिकारी हैं, नाम मुझे नहीं पता, जो इनके कितने अधिकारी हैं, चार सीट जिनको किया, जिसका उन चीज़ों से संबंध होगा, चाहे वो कोई सेक्रेटरी हो, चाहे एमई हो या कोई जेई हो, वो जिस करने का आदेश दे दिए या जांच के बाद होगा ना, जो उस संबंध में जिसकी वो ड्यूटी बनती होगी जांच करके। देखो, किसी को भी देखना तो पड़ेगा कि इससे